किडवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू में दृष्टिबाधित छात्रा से हुई छेड़खानी से नाराज छात्र छात्राओं ने कुलपति आवास के बाहर जमकर किया विरोध। सर्किट हाउस में बाल संरक्षण आयोग की सचिव ने की समीक्षा बैठक। शहर भर में मनमाने ढंग से टोटो चालकों द्वारा वाहन खड़ा करने से लोग हुए परेशान। और नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में शैक्षिक रुचि एवं जागरूकता हेतु कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में दृष्टिबाधित छात्रा से हुई छेड़खानी से नाराज छात्र छात्राओं ने कुलपति आवास के बाहर जमकर विरोध किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी का एक और मामला सामने आया है। ओल्ड B1 हॉस्टल में रहने वाली नेत्रहीन छात्रा के साथ एक व्यक्ति ने छेड़खानी की। घटना से नाराज छात्र शुक्रवार की रात कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्र छात्राएं पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे। छात्रा के अनुसार वह 25 जनवरी को अपने छात्रावास से कला संकाय जा रही थी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई चौराहे के पास एक व्यक्ति ने लिफ्ट देने के लिए उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। आरोप है कृषि विज्ञान संस्थान के पास पहुंचने पर बाइक सवार छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने लगा। आसपास मौजूद बीएचयू कर्मियों ने बीच बचाव किया। इस दौरान कर्मियों से उसकी बहस भी हुई। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आरोपित को पकड़ लिया। घटना को लेकर छात्र छात्राओं में उबाल है। हाल के दिनों में बीएचयू की छात्राओं के साथ छेड़खानी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि बीएचयू में कई हॉस्टल आउटर एरिया में है, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसको लेकर कई बार बीएचयू प्रशासन को अवगत कराते हुए सुरक्षा की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। आज क्या घटना घटी है? आज घटना ये घटित हुई है कि हमारी जो जायज मांगे थी, हमारी मांगे ये थी कि एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी और छेड़खानी के उपरांत जो वसीम राय जो कि एक बीएचयू के प्रोफेसर थे, डीन थे, उनके लड़का है और वो साक्षर हैं और लेक्चरर के पद पर हैं। उसके उपरांत जो है, जब छात्रा ने अपनी तहरीर दी तो तहरीर में स्पष्ट तौर पर ये लिखा कि मैं दृष्टिबाधित छात्रा विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया, आपराधिक व्यक्ति का नाम लेते उन्होंने स्पष्ट रूप में उस तहरीर में ये शब्दों का निहित किया कि इन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ है और उसके उपरांत जो उन्होंने मुझे किस किया है। उसके बावजूद पुलिस ने उन शब्दों को, यानी पुलिस के जो थाने के भाषा अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई, तो मैंने उनसे कहा कि हमने धारा 376 क्यों नहीं लगाई, तो कह रहे प्राइवेट पार्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा आप ही मुझे सिखा दीजिए कि प्राइवेट पार्ट का मतलब क्या होता है, 376 में लिखा क्या है। हाँ, तो उसके बाद जो है वो मेरे ऊपर ही भड़क गए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं विधि संकाय का छात्र हूँ, स्पष्ट रूपेण ये लिखा हुआ है कि 376 अगर कोई भी महिला के प्राइवेट पार्ट पर भाग लगाया गया उसको किस करेगा तो 376 की धारा लगेगी, रेप की श्रेणी में आएगा। उसके उपरांत 354A 509 IPC की धारा 509 के तहत मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, किंतु इन्होंने वो धाराएं नहीं लगाई, जानबूझ के नहीं लगाई, चूंकि पैसे के बल पर कुछ भी खरीदा जा सकता है ये तो बता दिया प्रशासन ने। और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की उससे भी बड़ी गलती है कि प्रशासनिक संरक्षक महोदय जो कि वार्डन है, उन्होंने क्या क्या किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझी। अर्थात यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो विश्वविद्यालय, चूंकि 1916 जो हमारा अधिनियम है उसके तहत एक राज्य की ये प्रथम व्यवस्था बनती है कि जो उसके मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में, उसमें प्रत्येक छात्र छात्र छात्राओं को, उसके बाद प्रोफेसरों को, कर्मचारियों को, जितने भी इंप्लॉय हैं सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, किंतु ऐसा है नहीं। कुलपति जी के बजट में, कुलपति महोदय जी के बजट में आप देखिए 10 करोड़ के कहने को CCTV कैमरा है, वास्तविकता कुछ और है। इनके VC
जो बीसी ऑफिस है इसमें 40 लाख खर्चा हो सकते हैं, किंतु बीएचयू कैंपस में सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए भी नहीं निकल सकते। ये विश्वविद्यालय की स्थिति है। सर्किट हाउस में बाल संरक्षण आयोग की सचिव ने समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में राज्य बाल संरक्षण आयोग की सचिव सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों और एनजीओ के लोगों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी G20 के आयोजन को देखते हुए काशी को भिक्षाटन मुक्त करने पर जोर दिया। वहीं राइट टू एजुकेशन को लेकर आयोग की सचिव सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समीक्षा बैठक में सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों और बैठक में उपस्थित लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में वाराणसी को भिक्षाटन से कैसे मुक्त किया जाए उस पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर शरण पांडे, बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि, महिला कल्याण अधिकारी अंकिता श्रीवास्तव समेत 40 से अधिक एनजीओ के लोग भी उपस्थित रहे। आज वाराणसी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मैं डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी और मेरे साथ मेरे आयोग के माननीय सदस्य इंजीनियर अशोक यादव जी द्वारा एक बैठक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई। और यह समीक्षा बैठक थी सरकार द्वारा बच्चों के हित के लिए जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं की समीक्षा थी उस योजना की कि जो भिक्षावृत्ति में बच्चे लिप्त हैं, बनारस वाराणसी जो है वो भिक्षावृत्ति से कैसे मुक्त रहे, इसके लिए आज देखकर आप लोगों को भी खुशी होगी कि यहाँ पर वाराणसी के लगभग समस्त एनजीओ, लगभग 40 एनजीओ के प्रतिभागी यहाँ पर आज उपस्थित हैं और उनके साथ मिलकर भिक्षावृत्ति से कैसे वाराणसी को दूर किया जाए इसके लिए एक योजना भी तैयार की जा रही है। समीक्षा हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य की भी और स्पॉन्सरशिप योजना की भी। उसको देखकर ये लगता है कि वाराणसी अच्छा कर रहा है और उसे आयोग उनकी सराहना भी करता है। इस वर्तमान में बात चल रही है राइट टू एजुकेशन की, निशुल्क शिक्षा अधिनियम। निशुल्क शिक्षा अधिनियम में वाराणसी का डेटा जो है वो पूर्व से कम हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और एडमिशन अभी प्रारंभ होने वाले हैं तो उसके लिए भी आज यहाँ पर उसकी समीक्षा हो रही है। आप लोग जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर जितने भी एनजीओ के पार्टिसिपेंट आए हैं, जिन्होंने भी यहाँ प्रतिभाग किया है, वो सभी सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हैं। और अगर हमें समाज का सहयोग इसी प्रकार से प्राप्त होगा तो वाराणसी में चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे बाल भिक्षावृत्ति हो, चाहे बाल श्रम हो, हम सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। और आयोग यही अपेक्षा करता है यहाँ वाराणसी के सभी एनजीओ से भी और जो अधिकारी आए हुए हैं उनसे कि प्रदेश को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त करें, बाल श्रम से मुक्त करें और साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट में एडमिशन को बढ़ावा मिले। बैठक में किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए अधिकारी वगैरह को? बाल भिक्षावृत्ति को लेकर है कि G20 होने वाला है और कुछ ऐसी पॉइंट आइडेंटिफाई हमारे यहाँ के एनजीओस के माध्यम से हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर भिक्षावृत्ति अभी हो रही है, उसका स्वरूप जरूर बदल रहा है। वो बच्चे अब भीख ना मांगकर कोई सामान बेच रहे हैं और उस बेचने के माध्यम से भी वो। शहर भर में मनमाने ढंग से टोटो चालकों द्वारा वाहन खड़ा करने के चलते लोग परेशान हैं। वाराणसी इस समय टोटो वाहन के मकर जाल में फंस गया है। वाराणसी के हर गली मोहल्लों में ये टोटो चालक अपनी गाड़ी खड़ी करके दबंगई कर रहे हैं। मैदान चौराहे पर तो लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसी रास्ते से काशी विश्वनाथ मंदिर व कालभैरव मंदिर पर्यटक जाते हैं। हजारों टोटो वाले पूरे इलाके में मनमानी करते हैं, पुलिस इन्हें हटाकर जाती है। थोड़ी देर बाद ये फिर उसी स्थान पर बिना किसी डर के अपने वाहन लगा देते हैं। पुलिस को भी ये टोटो वाले नहीं छोड़ रहे हैं। कई बार तो आसपास के दुकानदारों पर ये टोटो चालक जानलेवा हमला कर चुके हैं। क्षेत्रीय लोगों व दुकानदारों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस जल्द से जल्द कहीं अन्य जगह निर्धारित कर पार्किंग की व्यवस्था करे, अन्यथा कभी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। आप देख लीजिए, आपके सामने ही है, पूरा एकदम जाम का अंबार लगा हुआ है। आने जाने में कितने लोगों की दिक्कत परेशानी हो रही है। इन लोगों को किसी एक जगह व्यवस्थित रख देना चाहिए ताकि जो है कि आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो लोगों को।
हुआ है। आप देख लीजिए पूरा एकदम जाम लगा हुआ है, आने जाने में भी लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है बहुत सी। इधर एक तरफ जहाँ बाबा का मंदिर जी 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 यात्रियों से भी बहुत दिक्कत परेशानी, ये लोग अनाप शनाप पैसा भी ले लेते हैं, उठपटांग जैसे मन करता है तैसे बात करते हैं, ढंग से बोलते बालते नहीं है, मारपीट पर एकदम उतारू हो जा रहे हैं बराबर दुकानदारों से, इसलिए इनको इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको किसी एक जगह व्यवस्थित करना चाहिए ताकि रोड जाम ना हो सके। किस तरह का आतंक है वालों का, क्या दिक्कत है आप लोगों को? लगातार मारपीट की शिकायत आ रही है, परंतु इसमें देखने वाले लायक यह विषय है कि जो आतंकी टाइप के जो सामाजिक टाइप के जो टोटो चालक हैं जो आजकल लगातार कहीं ना कहीं मारपीट कर रहे हैं, जिसके दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसमें यातायात पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन को मुख्यतः यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐसा कोई टोटो चालक जो असामाजिक रूप हो, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए। इन सब विषयों पर भी जैसे लगातार मारपीट की जो व्यवस्था आजकल सुनाई दे रही है, काल भैरव चौराहे पे मारपीट की गई है किसी दुकानदार द्वारा, उसमें भी अभी सुनाई दिया कि नहीं टोटो चालकों ने आतंकी रूप से एक जैसे हमलावर हो गए वो एक दुकानदार के, वो लिए जिसमें अब चार पांच लोग घायल भी हो गए हैं और बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा पीटा गया टोटो चालकों द्वारा। आज कितना आतंक है मैदानी क्षेत्र में, ये पर्यटकों का स्थल है, यहीं से बाबा का दर्शन के लिए लोग जाते हैं, पर्यटन के का केंद्र बन चुका है हमारा काशी, परंतु इसमें टोटो चालकों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही इसे सुधार देने की, परंतु वह सुधार नहीं, अभी तो एक कलंक बन करके प्रदर्शित हो जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं, किसी भी यात्री से भिड़ जाना, उसे हमारी केवल उनकी छवि नहीं अभी तो पूरे काशी की छवि धूमिल हो जा रही है, उसके पश्चात कहीं भी गाड़ी खड़ा कर देना, चलते चलते गाड़ी रोक करके सवारी बैठाने लगना, और जरा सा भी अगर किसी राहगीर ने अगर कुछ बात बोला तो तुरंत लड़ाई करने पे आमादा हो जाना। मेरा पुनः यही निवेदन रहेगा यातायात पुलिस से, स्थानीय पुलिस प्रशासन से, कि जो भी अगर असामाजिक तरीके के जो टोटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उनका लाइसेंस रद्द करके उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इस समय टोटो वालों का इस तरह आतंक बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मैदागिन से लेकर के बुला नाला पूरा क्षेत्र, इधर विशेश्वरगंज बाबा काल भैरव चार हर तरफ इनका एक अलग जो है गुंडागिरी का चरम सीमा पर बढ़ चुका है। ये लोग हर तरफ गाड़ियां लगा करके अपनी अपनी बड़ी संख्या में खड़े हो रहे हैं, पुलिस भी इनसे काफ़ी परेशान हो चुकी है, पुलिस का कोई इनके ऊपर डंडा नहीं चल पा रहा है। ये टोटो वाले दुकानदारों का कहना है कि ये समय समय पर लड़ाई भी करने के लिए उतारू हो जा रहे हैं, किसी को अपना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मैदागिन चौराहा क्षेत्र है, यहाँ हर तरफ टोटो वाले जाम एकदम जाम का आलम लगाए हुए हैं। इसी रास्ते से बाबा काल भैरव काशी विश्वनाथ हर मंदिर में लोगों का आने जाने का रास्ता है, लेकिन इन टोटो वाले के आतंक से हर ओर जाम की स्थिति बनी रहती है। बार बार पुलिस प्रशासन या लोगों से शिकायत करने के बाद भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ के हर तरह के दुकानदार इनसे इनके आतंक से बेहाल है। देखते हैं इस पर पुलिस की क्या आगे विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। दुकानदारों का कहना है कि समय रहते इनको कहीं और जगह दे दिया जाए ताकि इससे मुक्ति मिले, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, दुकानदारों की दुकानदारी बैठ गई है, हर तरफ इनका आतंक मचा हुआ है। कैमरामैन सूरज के साथ अंशु श्रीवास्तव, केटीवी न्यूज़। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में शैक्षिक रुचि एवं जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित हुआ। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों को विद्यालय आने हेतु प्रेरित किया गया। विद्यालय के निदेशक एसके भाटिया ने बताया कि शिक्षा के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विद्यालय का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हर बच्चा शिक्षित हो और हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए, जिससे देश का नाम रोशन हो। बच्चों को खेलकूद सहित विभिन्न माध्यमों से पढ़ने में रुचि बढ़ाने सहित शिक्षा के महत्व के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज का आयोजन शिक्षा को लेकर है। हमारे विद्यालय का हमेशा ही यह लक्ष्य रहा है कि जो है पढ़ाई की तरफ बच्चे ध्यान दें, और हमने एक स्लोगन दिया
शिक्षित होगा हर घर का बच्चा, शिक्षित होगा हर घर का बच्चा, तभी तो होगा सपना सच्चा। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो यही लक्ष्य लेके चलेंगे, तभी भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर जो हो रहा है वो उसी दिशा में प्रगति करेगा। आज तो के इवेंट में खास क्या है? आज के इसमें यह है कि जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए हम लोगों ने एक ये इवेंट रखा है, जिसमें जो है बच्चों के एडमिशन को, बच्चों के नए एडमिशन को लेकर प्रेरणा दे रहे हैं कि आएं और अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, बच्चे को शिक्षित करवाएं। और इस अवसर पर हम बच्चों को छूट भी दे रहे हैं ताकि जो है हर वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। हमारा लक्ष्य यही है और इसी लक्ष्य को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, बच्चों की उन्नति, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों का शिक्षा में रुचि जगाना, कोई बच्चा छूटे ना, कोई बच्चा शिक्षित होने से ना छूटे, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के कुंडो तालाबों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा विभिन्न कुंडो तालाबों में विधि विधान से पूजन अर्चन कर विसर्जित की गई। देर रात तक क्लबों व शिक्षण संस्थानों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन हेतु लोग नाचते गाते मां का गगनभेदी उद्घोष करते विभिन्न कुंडो तालाबों पर पहुंचे और मां का विधिवत पूजन करते हुए प्रतिमा विसर्जित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष व बच्चे शामिल थे। इस दौरान लोगों में प्रसाद भी वितरित किया गया। प्रतिमा मैदागिन स्थित मंदाकिनी कुंड सहित शहर के कई निर्धारित कुंडों पर विसर्जित हुई। समाज सेवकों का भी पुलिस के साथ विशेष सहयोग रहा। अमित जी आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रधान कार्यालय हमारे जोशी ब्राह्मण संघ का है, उस कार्यालय में हम लोग जो है मां सरस्वती पूजन हर प्रत्येक वर्ष की भांति करते हैं। इस बार भी भगवती का पूजन हम लोग कर और पंचोपचार पूजन आज कर यहाँ पे भगवती का विसर्जन कर आरती कर प्रसाद वितरण करके माँ भगवती का हम लोग यहाँ पे विसर्जन किए हैं। और भगवती से कामना करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे स्वजाति बंधु में सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे देश का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, और इसी कामना को हम लोग प्रत्येक वर्ष करते हैं। और भगवती की कृपा सदैव हम सभी स्वजाति बंधु पर, हमारे काशीवासी, प्रदेशवासी, देशवासी और विश्व का कल्याण हो, ऐसा भगवती से हम लोग नमन करते हैं। पूजन करने के पश्चात हम लोग विसर्जन यहाँ करने आते हैं। पहले हम लोग विसर्जन गंगा जी के घाट पे करते थे, मगर जो भी यहाँ पे सरकार द्वारा हम लोग को सुनिश्चित किया गया है प्रदूषण को देखते हुए, हम लोग इससे संतुष्ट होकर यहाँ पर भगवती का विसर्जन कर रहे हैं। और स्वजाति बंधु हमारे सारे लोग हमारे साथ हैं। और इससे बड़ी प्रसन्नता क्या है कि कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा का एक साथ में उत्सव देखने को प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोगों में बहुत हर्षोल्लास के साथ भगवती का पूजन कर, झंडारोहण कर और अपने देश के अमन चैन के लिए भगवती से हम लोग प्रार्थना किए। हर साल इसी तरह माता से कामना है कि हम लोग उनको बुलाएं और प्रेम पूर्वक उनका विदा करें। माता हर तरफ शांति बनाए रखें और लोग आगे बढ़े और सारे लोगों की मनोकामना पूरी हो। बाबा विश्वनाथ को रामकथा सुनाने की प्राचीन परंपरा को निभाया गया। विवादित स्थल पर माँ श्रृंगार गौरी का पूजन हुआ। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विवादित स्थल पर स्थित माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने नवान परायण रामचरितमानस पाठ के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि जब से औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा तब से काशी के कथा व्यास व साधु संत बाबा विश्वनाथ को रामकथा सुनाते हैं। एक कथा कार्तिक व एक कथा माघ मास में होती है। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ
प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होती है। इसका उद्घाटन व समापन सर्वप्रथम मां श्रृंगार गौरी प्रतीक्षारत नंदी व अंत में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन से होता है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 65 वर्षों का रिकॉर्ड सरकार के पास है। वैसे ये परंपरा औरंगजेब के समय से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी के पूजन में कोई रोक टोक नहीं हो सकती। ये 65 वर्षों से परंपरा है, परंपरा को तोड़ नहीं सकते। जिन लोगों ने कोर्ट में मुकदमा किया है उन्होंने भी ये माना है कि 1993 तक पूजन होता था, उसके बाद परंपरा टूटी है। सार्वजनिक पूजन की परंपरा प्रारंभ हो, बात बस इतनी सी है। आज माघ शुक्ल सप्तमी को काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी यूं तो औरंगजेब के द्वारा तोड़े जाने के बाद से ही काशी के संत और कथाव्यास भगवान विश्वनाथ को राम कथा सुना करके इस मंदिर के ध्वंसावशेष के कलंक को मिटाने की बात करते थे। यह अनुष्ठान सैकड़ों वर्षों से चलता रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में पिछले 65 वर्षों से यह दर्ज है राम कथा। सबसे पहले माँ श्रृंगार गौरी का पूजन, उसके बाद प्रतीक्षारत नंदी का पूजन, फिर बाबा विश्वनाथ का पूजन करके कथा व्यासों के बीच, और जो लोग श्री रामचरितमानस का नवाह पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, ऐसे शताधिक ब्राह्मणों का पूजन अर्चन करके आज यह पाठ प्रारंभ हुआ। लोगों को कम पता है कि वर्ष में एक बार श्रृंगार गौरी का पूजन होता है, ऐसा नहीं है। श्रृंगार गौरी का पूजन कार्तिक मास में कथा के दौरान भी दो बार होता है और माघ मास में भी राम कथा के उद्घाटन और समापन के अवसर पर होता है। अर्थात वर्ष में कुल 5 बार ही पूजन होता है। यह परंपरा में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। स्माइल फाउंडेशन एवं एमएसडी फार्माक्यूटिकल्स के संयुक्त तत्वाधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी में किया गया, जिसमें स्वास्थ्य जांच, परामर्श व दवाइयां दी गई तथा व्यक्तिगत साफ सफाई के विषय में भी लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान बीएचयू सामुदायिक चिकित्सा विभाग से डॉ संकेत व उनकी टीम द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें आईटी बीएचयू के स्वयंसेवकों का योगदान सराहनीय रहा। अंत में स्माइल फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर दुर्गेश त्रिपाठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। स्माइल फाउंडेशन एमएसडी फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ के 12 ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को लेकर टेली मेडिसिन कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को फ्री स्वास्थ्य परामर्श, दवाइयां और जांच तथा साथ साथ में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहे हैं। कितने आज हम टिकरी जी आयोजन कहाँ पे किया गया आज का जो आयोजन आज का आयोजन हम लोग टिकरी में कर रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी में कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को लेके जागरूकता परामर्श किया गया है, हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन को लेके, और साथ में हम लोग स्वास्थ्य परामर्श कर रहे हैं आईएमएस के साथ में मिलके, जिसमें फ्री जांच, स्वास्थ्य सलाह और दवाइयां दी जा रही हैं। ये आपकी संस्था किसके साथ कोलाब करके ये काम करती है? ये स्माइल फाउंडेशन एमएसडी फार्मास्यूटिकल के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट का संचालन कर रही है। इसका उद्देश्य यही है कि जो प्राइमरी स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो गांवों तक पहुँचे और लोग अपने बीमारियों के बारे में खुद से जागरूक हो सके। और हो क्या रहा है, छोटी छोटी बीमारियां लोग उसको इग्नोर कर दे रहे हैं और वो छोटी छोटी बीमारियां एक बड़ा रूप लेके उनके परिवार को विध्वंस कर दे रही हैं। बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बीएचयू शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर प्रदीप सिंह शाहर ने बताया कि शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 31 जनवरी से रिसर्च राइटिंग एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी विषयक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र होंगे। इसके साथ ही डॉ अरुण कुमार देशमुख, प्रोफेसर भास्कर मुखर्जी, प्रोफेसर योगेश उपाध्याय द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वर्कशॉप करने जा रहे हैं, कितने दिनों का है और मुख्य रूप से सर ये 15 सेशन का 5 दिन की एक कार्यशाला है जिसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे अच्छा तरह रिसर्च राइटिंग किया जाए, रिसर्च पेपर्स लिखे जाए और कैसे उसको भी अपने दायरे में रखते हुए कि रिसर्च इथिक्स और रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है, कि बच्चा गलत पब्लिश ना करे, गलत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश, गलत जर्नल में पब्लिश ना करे, उस तरह को मद्देनजर रखते हुए कि वी हैव स्टार्टेड विद द रिसर्च वर्कशॉप ऑन रिसर्च राइटिंग एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। और ये 5 दिन की कार्यशाला में 15 सेशंस हैं जिसमें 3 रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, जो कि पहले दिन डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख सर हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, वो बताएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए पब्लिश करने के लिए पेपर। लास्ट सेकेंड और थर्ड जो डे है वर्कशॉप का उसमें प्रोफेसर भास्कर मुखर्जी सर हैं जो कि अपने इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, जो कि बताएंगे कि कैसे अपने रिसर्च पेपर का इम्पैक्ट और विजिबिलिटी दिखाई दे, कैसे बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस की जाए। और जो लास्ट के 2 दिन हैं वर्कशॉप के उसमें प्रोफेसर योगेश उपाध्याय हैं जो कि अभी करंट में डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जो कि हमें बताएंगे कि डेटा एनालिसिस कैसे किया जाए, प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ किया जाए डेटा एनालिसिस के लिए, कैसे डिस्कशन लिखा जाए, कैसे एनालिसिस का इंटरप्रटेशन किया जाए और कैसे एक अच्छा प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाए टू गेट फंडिंग फ्रॉम दी अदर इंस्टीट्यूट। और इसकी जो पहले दिन 31 जनवरी को हमारा जो कार्यशाला का इनॉग्रल है उसमें जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद सर आ रहे हैं जो कि एडवाइज़र हैं अपने यूनिवर्सिटी रिलेशन, यूनिवर्सिटी एंड एलुमनाई रिलेशन, और जो कि फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज BHU, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर यशवंत सर हैं जो कि अभी करंट में डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज BHU हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU में दृष्टिबाधित छात्रा से हुई छेड़खानी से नाराज छात्र छात्राओं ने कुलपति आवास के बाहर जमकर किया विरोध। सर्किट हाउस में बाल संरक्षण आयोग की सचिव ने की समीक्षा बैठक। शहर भर में मनमाने ढंग से टोटो चालकों द्वारा वाहन खड़ा करने से लोग हुए परेशान। और नेवादा सुंदरपुर स्थित भारतीय चिल्ड्रन एकेडमी में शैक्षिक रुचि एवं जागरूकता हेतु कार्यक्रम हुआ आयोजित। आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।